कलगा गावातील मुस्लिम समाजाची पडद्यामध्ये राहणारी एक रईसा बेगम नावाची मुलगी ही कशा प्रकारे आपल्या गावातील मुलांसाठी एक इंग्लिश कॉन्वेंट सुरू करते आणि ते त्यांना कशा प्रकारे शिक्षण देत आहे ते मी माझ्या व्हिडिओमधून दाखवत आहे. जिला साक्षर अभियान का जो था उसमें भी हमने हिस्सा लिए. उसके बाद में मेरे पिताजी ने हर हुनर से हमको निखारा है और जिला परिषद की इसमें विद्यादान की कुछ एक साल बच्चों को ऐसा. उसके बाद मॉन्टेसरी का कोर्स किया. फिर हमारे गांव में समाज में ज़्यादा लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, उस हिसाब से लड़कियों के लिए मैंने ये कॉन्वेंट खोला. अभी तो हमने हमारा कॉन्वेंट खोला 2006 से. मैंने तो पहले स्टार्ट में फ्री में इसको खोला. रजिस्ट्रेशन जो किया हमने 2008 में, यहाँ पे जगह नहीं थी. हमारे खाला जान है, उन्होंने हमको जगह की दिए. फिर हमने किराए से लिए, किराए से चलाए. फिर किराया तो दे नहीं सकते आप, और अभी थोड़ा डोनेशन बढ़ा दिए. हर समाज के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे पास. रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है फंड वो हिसाब से मिलता, वो हिसाब से भी नहीं मिला. मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊँ. शासनाने सुद्धा रईसा बेगमच्या इंग्लिश कॉलेजला थोडीफार मदत दिली तर या गावातील गरिबांच्या मुलांनासुद्धा इंग्लिश मीडियमद्वारे चांगलं शिक्षण नेहमीसाठी मिळत राहील. मी कल्पना जवादे, जिल्हा यवतमाळ, महाराष्ट्रातून इंडिया अनहर्डसाठी.